अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शौक अपना अपना। उम्मीद करता हूं तमाम मेरे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी आज के व्लॉग में मैंने एक बड़ा मसला जो था वो हल किया है, और वो मसला क्या था वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पूरा छत। खैर ये एरिया तो पहले भी साफ था, अभी इनके के जिसकी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। देखें आपको नज़र आ रहा होगा पहले व्लॉग्स में ये जो जगह इधर भी काफ़ी अच्छा खासा गंद था, और ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दड़बों की सफाई होगी। और एक इशू ये हुआ कि रात को फिर बारिश होगी, बहुत शदीद बारिश हुई है। ये इधर कॉर्नर में आपको पानी खड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह नीचे से कपड़ा लेकर आता हूँ, ये साफ़ हो जाएगा। अभी इशू ये है कि यहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल ख़त्म हो गया, और अभी यहाँ पर जो चिक्स थे सारे अपने अपने पेटियों से बाहर आ गए हैं। देखें दोस्तों ये वाले और एक ये वाला बच्चा, ये इस वाली पेटी में थे, वहाँ से ये इधर आ गए और एक इधर आ गए, दो बच्चे थे उधर। और दोस्तों एक और चीज़ की अभी शुक्र है यहाँ पे अंडा कोई नहीं है, और एक जो यहाँ पे चोर मादी थी, चोर मादी से मुराद जो इन बच्चों के पर खाती है, वो ये पहले नंबर बैठी है। अभी मैं इसको इस वाले केज में छोड़ने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अभी जो बच्चे आएँगे यही फ़ीमेल है जो सबके पर खा रही है। मैं अपने शक की बेस पर इसको अलग करूँ, अगर तो यही हुई तो इस दफ़ा पर नहीं खाने होंगे कबूतरों के, अगर तो कोई और हुई तो उसका मतलब है फिर मेरा शक गलत निकलेगा, अगर कोई और हुई तो बच्चों के पर खाने लग गई। तो खैर दोस्तों अभी इंशाल्लाह इसको यहाँ से हटाते हैं और साथ वाले केज में शिफ्ट करते हैं। देखें दोस्तों ये है वो फीमेल जो सबके पर खाती है, और इसको छोड़ते हैं अभी इसके अलग मंजिल की तरफ। चलो जी ये देखें दोस्तों ये है वो फीमेल, इसको छोड़ दिया मैंने, ये फ्लाइंग सेक्शन है इधर, फ्लाइंग वाले कबूतर है जो कबूतर उड़ते हैं मेरे पास। और इसका मेल दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ ही छोड़ दूँ, इधर बच्चे देती है पालती है तो ठीक है, क्योंकि ये अच्छा मेरे पास ब्रीडर है, इनके बच्चे पहले उड़ते रहे हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम हो गया इनके बच्चे आ नहीं सके मेरे पास। तो अभी मैं सोच रहा हूँ नर को भी इधर छोड़ दूँ, अगर तो यहाँ पर बच्चे देती है इस नर के साथ और बच्चों के ऊपर नोचती है तो फिर तो 100% छोटी हो जाएगी कि यही वाली फ़ीमेल है। और अगर यहाँ पर भी इसके बावजूद ये उधर अपने बच्चों के पर नोचेगी, यहाँ पे अगर कोई और फीमेल हुई इन केस तो वो भी पकड़ी जाएगी कि अच्छा इसका मतलब है कोई और भी कबूतर है, या इसका मतलब है कि अगर इसने अपने बच्चों के पर ना खाए उसके लिए केज में, इसका मतलब है ये फ़ीमेल नहीं है जो पर खा रही है, वो कोई और ही है। तो खैर दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके मेल को भी उधर ही छोड़ दूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने भी लाजमी बताना है कि मैं छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, लेकिन खैर अभी तो मैं छोड़ने वाला हूँ। ओहो दोस्तों शायद इसने अंडे लेकर दिए हैं। ओहो दोस्तों ओह ये देखें दोस्तों यहाँ पे 3 अंडे पड़े हैं। खैर अभी मैं अंडों की कैंडलिंग भी कर लेता हूँ, अगर अंडों में बच्चे बन चुके हुए तो फिर फीमेल को वापस छोड़ना पड़ेगा, अगर ना बने हुए तो मेल को उठा के उधर छोड़ दूंगा मैं। दोस्तों मैंने अंडों की चेकिंग कर ली है, अंडों में बच्चे बन चुके हैं, और मसला ये है कि अभी यहाँ पर किसी और फीमेल ने भी एग ले नहीं किए हुए। अगर किसी और फीमेल के पास एग्स होते हैं यहाँ पर और उसके अनफर्टाइल होते तो मैं ये एग्स उसके नीचे शिफ्ट कर देता और यहाँ पर मैं इस पेयर को उठा लेता यहाँ से, लेकिन अभी मसला ये है कि फ़ीमेल को दोबारा छोड़ना पड़ेगा इधर मुझे मजबूरी से। लेकिन खैर बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, मैं यहाँ से बच्चों समेत कोशिश करूँगा उठा लूँ इस पेयर को और इनको कहीं और शिफ्ट कर दूँ। दोस्तों इस फीमेल को इस केज में वापस छोड़ने लगा हूँ मैं, ये अपने केज में वापस चली गई है, और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम जो है इसको लाजमी अलग कर लूँगा मैं। अभी बस थोड़ा सा लेट हो गया उसको अलग करने में, इसने एग ले कर दिए हैं। और दोस्तों ये देखें इस वाले केज की भी सफाई हो चुकी है, सारी पेटियों की भी सफाई कराई है, सारी पेटियों में से जो इनका नेस्टिंग मटेरियल था सारा निकलवा दिए। लेकिन दोस्तों एक ये बच्चा निकला हुआ माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ये मच्छरों से महफूज है और अल्लाह करे आगे भी महफूज ही रहे। और यहाँ वाला केज भी थोड़ा सा हुआ ख़राब, लेकिन ये है कि इधर पानी खड़ा नहीं हुआ। और दोस्तों ये देखें यहाँ वाले केज का भी वैसे ही हाल हो गया क्योंकि बारिश हुई है बड़ी शदीद। यहाँ पे दोस्तों ये अंडे थे दो, ये ख़राब अंडे हैं, अंडे गीले हैं, और दोस्तों इनको फेंक देते हैं अभी अंडों को। और दोस्तों अभी मैं अपने कबूतरों को बाजरा भी डाल देता हूँ, पानी से देखें रख दिए दोस्तों इनके आगे, और बस अल्लाह करे कि वो फ़ीमेल या उसके अलावा कोई और फीमेल अंडे दे दे ताकि मैं उसके अंडे उठा के ट्रांसफ़र कर दूं और इस जोड़े को यहाँ से मैं जल्दी से निकाल दूं जो अभी आप लोगों को दिखाया मैंने। देखें दोस्तों
उसके बाद से पानी नहीं रखा, पानी अभी रखा है इनके सामने, तो सारे प्यासे थे, पानी पीने आ गए हैं। देखें दोस्तों, दोस्तों आज का पूरा दिन सिर्फ सफाई में निकल गया, आज के पूरे दिन में सिर्फ इनकी सफाइयाँ हुई हैं। ये देखें दोस्तों, अभी शायद नज़र आ रहा हूँ, एक मिनट में आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं केजी सारे। ये अभी तो सही नज़र नहीं आ रही, इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और अभी जो गंद निकला है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऊपर छत में भी सफाई हुई है, दड़बे भी और पूरा छत भी, टेरेस भी। ये देखें, ये इसकी सफाई हुई है। और ये पानी वाले खाने वाले बर्तन सारे निकाले रहे, अभी अपनी अपनी जगह पर रख दिए बर्तन, और इनके खाने वाले भी लगा दिए। अभी फिलहाल पानी वाले बर्तन बाहर हैं, इंशाल्लाह सुबह डालूंगा उन्हें। जी दोस्तों, ये मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।